नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप सब स्वागत है आप लोगों का सिविल स्टेप के यूट्यूब चैनल पे दोस्तों ये है सिविल स्टेप की स्थापना सीरीज का नया लेक्चर जहां पर साइंस एंड टेक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक साइबर फिजिकल सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जो धीरे धीरे अपने पाँव पसार रही है और यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक हमारे लिए कवर करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगा हमारे कोर्सेज के बारे में कि सिविल स्टेप ने आप लोगों के लिए यूट्यूब पर बहुत ही एक्साइटिंग अपने कोर्सेज लॉन्च कर दोस्तों थोड़ा सा प्लान में चेंज है कि हमारा दिन में अब दो बजे आता है प्रयास सीरीज का लेक्चर जहां पर स्थापना में टॉपिक्स के ऊपर हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और एक मेन्स के क्वेश्चन की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं शाम को सात बजे आता है हमारा जिज्ञासा सीरीज का लेक्चर जहां पर हम आपको डेली करंट अफेयर कवर कराते हैं रात को नौ बजे हमारा फटाफट सीरीज का लेक्चर जहां पर स्थापना में करवाए गए टॉपिक को हम आपको क्विकली रिवाइज करवाते हैं दोस्तों यहां पर आपको डे वाइज सब्जेक्ट वाइज शेड्यूल भी प्रोवाइड किया गया है मंडे को जियोग्रफी ट्यूजडे को एनवायरमेंट वेन्स्डे को इकोनॉमी थर्सडे को हिस्ट्री फ्राइडे को पॉलिटी एंड सैटरडे को साइंस एंड टेक के टॉपिक्स हम कवर करते हैं दोस्तों सिविल स्टेप ने अपना 2020 प्रीलिम्स क्रैश कोर्स ऑलरेडी लॉन्च कर रखा है जहां पर स्टैटिक जीएस प्लस करंट अफेयर मॉड्यूल दोनों आप लोगों को प्रोवाइड किए जा रहे हैं एक बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड कोर्स है जो कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है यहां पर दोस्तों आपको बहुत सारी फीचर्स देखने को मिलेंगी इस कोर्स में कि चैप्टर वाइज वीडियोस हैं सभी जीएस सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज डाउनलोडेबल हैंडआउट्स हैं सभी जीएस सब्जेक्ट के लिए चैप्टर वाइज टेस्ट मिलेंगे आपको सभी सब्जेक्ट के

है और 15000 के नॉमिनल प्राइस पे ये कोर्स आप लोगों को दिया जा रहा है दोस्तों अगर आपने करंट अफेयर प्रिपेयर करने तो सिविल स्टेप की करंट अफेयर टेस्ट सीरीज परिश्रम टेस्ट सीरीज जो कि 26 टेस्ट के माध्यम से आपको करंट अफेयर प्रिपेयर कराएगी फ्रॉम मई 2022 मई 2021 ये आपके लिए बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज साबित होने वाली है क्योंकि यहाँ पर बहुत इंपोर्टेंट सोर्सेज द हिंदू लाइमेंट पी आई बी पी आर एस उनसे हम करंट अफेयर्स को उठा के आप लोगों के लिए टेस्ट की फॉर्म में आपको करंट अफेयर कवर करवाएंगे तो यहाँ पर भी आप 50% परसेंट के डिस्काउंट पे 4,499 ओनली में हमारा ये टेस्ट सीरीज कोर्स भी बाय कर सकते हैं अब बात करते हैं हमारे लेक्चर की दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है साइबर फिजिकल सिस्टम एक बहुत ही उभरता हुआ टॉपिक है ठीक है साइबर फिजिकल सिस्टम होता क्या है दोस्तों अगर इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में समझें तो इसका मतलब है डिप्लॉयमेंट ऑफ कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम टू डू थिंग्स इन द फिजिकल वर्ल्ड मतलब क्या कि आप कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स को यूज़ कर रहे हैं किस लिए फिजिकल वर्ल्ड में काम करने के लिए मतलब क्या कि जो आपका साइबर स्पेस है जो आपका नेटवर्क स्पेस है जो आपका कंप्यूटर है उसमें आप कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप कर रहे हो जो आपके रियल लाइफ एप्लीकेशन में वर्क करेंगे फॉर एग्जांपल कि आप एक घर में बैठे हुए हो आपके पास बहुत अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है और वहां पर बैठे बैठे आप अपनी गाड़ी चला रहे हो सड़क पर तो यहां पर फिजिकल वर्ल्ड क्या है आपकी सड़क और आपकी गाड़ी और कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम क्या है वो प्रोग्राम जिसकी मदद से इंटरनेट की मदद से आप उस गाड़ी को ऑपरेट कर रहे हो तो यहां पर क्या है डिप्लॉयमेंट हम कर रहे हैं किसकी कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम की लिए फिजिकल वर्ल्ड में काम करने के लिए आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया आपने उसमें पूरा प्रोग्राम बनाया कि किस तरीके से एक पूरे रॉ मटेरियल को शेप दी जाएगी जिससे हमें एक प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपने ये प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम में डाल दिया और फिर इस प्रोग्राम की मदद से और रोबोटिक्स की मदद से आपने बिना उस जगह जाए आपने उस स्पेसीमैन को पर्टिकुलर शेप दे दी तो ये क्या है फिजिकल वर्ल्ड में एप्लीकेशन किस चीज की कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम्स की कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स की दोस्तों इसका फायदा क्या है कि इससे हमारी जो कैपेबिलिटीज है वो इनहांस एडेप्टेबिलिटी एनहांस होगी स्केबिलिटी ऑफ ऑपरेशन आएगा रिसाइलेंस आएगा सेफ्टी आएगी सिक्योरिटी आएगी एंड यूजेबिलिटी आएगी अब मैंने बहुत बड़ी बड़ी बोल दी लेकिन ध्यान से समझाता हूं दोस्तों क्या होता है कि जो ह्यूमंस हैं उनकी लगातार काम करने की एक लिमिट है कुछ समय बाद बॉडी थकती है लेकिन अगर हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स को यूज कर रहे हैं तो जो मशीन्स हैं उनकी जो कैपेबिलिटी वो काफी ज्यादा है लगातार काम करने की एज कम्पेयर टू ह्यूमंस अगर हम एडेप्टेबिलिटी की बात करें तो हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा के एनवायरमेंट में लेबर नहीं कर सकते अगर गल्फ एरियाज की बात करें या मिडिल ईस्ट की बात करें तो फिफ्टी डिग्री सेल्सियस वहाँ पर टेम्परेचर होता है तो वहां पर फील्ड में जाकर ऑपरेशन करना बहुत ही मुश्किल होता है तो ऐसे प्लेसेस पे भी जो प्लेसिस हैं जो साइबर फिजिकल सिस्टम हैं वो चीजों को करने में adaptability शो करते हैं स्केलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन आता है मतलब क्या कि अभी एक मजदूर एक दिन में 40 चीज बना पाता है कोई पर्टिकुलर चीज 40 बना पाता है लेकिन अगर आप मशीन यूज कर रहे हो तो वहां पर एफिशेंसी बढ़ेगी और वही जगह पर वो मशीन उस चीज को साठ बार बना सकती है तो स्केलेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन आती है रेजिलेंस आता है सेफ्टी बढ़ती है सिक्योरिटी बढ़ती है और फिर चीजों की यूजेबिलिटी बढ़ती है अगर हम साइबर फिजिकल सिस्टम्स के एग्जांपल देखें तो स्मार्ट ग्रिड नेटवर्क्स, स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंटरप्राइज क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर यूटिलिटी सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमने डेवलप होते हुए देखें अभी आप इनको टेंशन मत लीजिए अगली स्लाइड पे मैं आपको अलग से एप्लीकेशन कराऊंगा लेकिन ये ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर अभी साइबर फिजिकल सिस्टम यूटिलाइज होने लग गया है दोस्तों साथ ही साथ जो साइबर फिजिकल सिस्टम है ये क्या करेगा ये एडवांसमेंट लेकर आएगा कहाँ कहाँ हेल्थ केयर में एमरजेंसी रिस्पॉन्स में डिजास्टर मैनेजमेंट में ट्रैफिक फ्लो मैनेजमेंट में और बहुत सारे ऐसे जो अभी तक हैं जहां पर हमें लगता है कि हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते जैसे स्पेस मिशन या डीप ओशन एक्सप्लोरेशन तो वहां पर भी आपका साइबर फिजिकल सिस्टम काफी काम करने वाला है जैसे आपने क्या अपने समुद्र में छोड़ दी ठीक है और आप उसको ऑपरेट कर रहे हैं फ्रॉम दी कोस्ट आप जमीन पे बैठे उस मशीन को ऑपरेट कर रहे हैं और वो मशीन आपकी डीप सी माइनिंग में काम कर रही है तो आपको उस खतरनाक एनवाइ में जाए बिना उस जमीन को उस एरिया को चेक करने का मौका मिल रहा है तो साइबर फिजिकल सिस्टम क्या है यहां पर आप सेंसिंग कंप्यूटेशन कंट्रोल नेटवर्किंग उनको इंटीग्रेट कर रहे हो फिजिकल ऑब्जेक्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर से ठीक है आप क्या कर रहे हो कि जो आपका साइबर वर्ल्ड है या जो आपका कंप्यूटर वर्ल्ड है उसको फिजिकल वर्ल्ड से इंटीग्रेट कर रहे हो और इस पूरी चीज को हम साइबर फिजिकल सिस्टम बोल रहे हैं ठीक थीके? अब बात करते हैं कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी आपके एसोसिएटेड है द साइबर फिजिकल सिस्टम तो दोस्तों तो साइबर फिजिकल सिस्टम एक पूरा सिस्टम है जिसमें मल्टीपल टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। अगर हम बात करें तो मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या है कि जहां पर हम एक मशीन को इस तरीके से प्रोग्राम कर लेते हैं कि जो जो डाटा हम इनपुट कर रहे होते हैं जो जो चीज़ वो विजुलाइज कर रही होती है उससे वो खुद ब खुद इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर देती हैं मतलब क्या कि मशीन की लर्निंग की कैपेबिलिटी जो डाटा उसमें हम इनपुट कर रहे हैं जो चीज़ें वो विजुलाइज कर रही हैं उससे वो एक नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें निकाल के दे रही हैं तो ऐसी चीज़ को मशीन लर्निंग बोलते हैं तो साइबर फिजिकल सिस्टम में मशीन लर्निंग आएगी क्योंकि फिजिकल वर्ल्ड में जो भी कॉन्स्टेंट आते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर अडेप्ट करना है तो मशीन को मशीन लर्निंग की कैपेबिलिटी डेवलप

बहुत जरूरी है अगर आपने साइबर फिजिकल सिस्टम में ऑपरेट करना है फिर एक चीज आती है क्लाउड कंप्यूटिंग क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है कि आप क्लाउड का यूज कर रहे हो आप कंप्यूटर फैसिलिटीज का यूज कर रहे हो फॉर कंप्यूटिंग फैसिलिटी एज वेल एज फॉर स्टोरेज फैसिलिटी एज वेल एज फॉर अदर पर्पेज जैसे मान लो क्या कि आप घर पे बैठे हो आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है आपने अपना एक काम करवाना है जो कि आपका कंप्यूटर प्रोग्राम वाला काम है तो ये आपने क्लाउड पर डाल दिया अब क्लाउड में क्या होगा कि वो काम स्टोर भी होगा वो काम परफॉर्म भी होगा एसेस भी होगा और वो फिर काम आपको फाइनल डेट आपको मिल जाएगा थ्रू इंटरनेट तो आपने इसके लिए कहीं भी जाना नहीं है आपकी सारी कंप्यूटिंग आपका सारा सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट आपके घर बैठे पूरी हो गई ठीक है तो जैसे अमेजन वाले क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो इस तरीके से सी में क्लाउड कंप्यूटिंग होना बहुत ही जरूरी है फिर बात करें रोबोटिक्स की तो अगर हम मैनुफैक्चरिंग की बात करें या आपकी किसी और टेक्नोलॉजी की बात करें तो रोबोटिक्स एक ऐसा टूल है जो लिंक करेगा दोनों सिस्टम को कौन कौन से सिस्टम को साइबर सिस्टम को और फिजिकल सिस्टम को तो अगर आप साइबर सिस्टम में प्रोग्राम्स बना रहे हो अगर आप मैन्युपुलेशन बना रहे हो तो उनको आपको जब फिजिकल वर्ल्ड में ऑपरेट करना है तो रोबोट्स वो एक ऐसी

की हमने बात करी वायरलेस सिस्टम ये सारे वर्चुअल सिस्टम के पार्ट हैं और अगर हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करें तो सी एन सी कंप्यूटरिकल मशीन्स या कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन मैनुफैक्चरिंग सिस्टम रोबोटिक्स ये आपके फिजिकल वर्ल्ड के पार्ट होने वाले हैं ग्रिड मैनुफैक्चरिंग क्लाउड सर्विसेज तो जैसे क्या है कि आपने सी एनसी मशीन देखी होंगी अगर नहीं भी देखी होंगी तो अब क्या है कि आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ आप गाड़ी में हवा भरवाने गए तो वहां पर एक अगर अच्छी फैसिलिटी है तो वहां पर आपने बस टायर्स को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा गाड़ी को एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया और आपने इनपुट दे दी कि इतने इतने आपके टेम्प वो होने चाहिए हवा के इसमें पीएसआई होने चाहिए पाउंड पर स्क्वायर इंच होना चाहिए तो उतनी जितनी लिमिट आपने पीएसआई की डाली और थोड़ी देर बाद जब आपने कनेक्ट कर दिए सारे सिस्टम्स को तो ऑटोमेटिकली आपकी गाड़ी पूरी चेक हो जाती है आपकी गाड़ी में हवा भर जाती है तो ये सारा साइबर फिजिकल सिस्टम ये है कि आप फिजिकल ऑब्जेक्ट को गाड़ी को किस तरीके से नेटवर्क कर रहे हो एक साइबर सिस्टम से नेटवर्क कर रहे हो और उसकी वजह से आप सारा गाड़ी का चेकअप कर रहे हो तो ये एक बहुत ही अच्छी कन्वर्जेंस है जो हमें सीपीएस में देखने को मिलती है दोस्तों अगर एप्लीकेशन की बात करें साइबर फिजिकल सिस्टम की तो बहुत ही वास्ट एंड वैलिड एप्लीकेशन है तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेल्थ केयर एप्लीकेशन से तो एक हल्के से से आपको समझाता हूं कि किस तरीके से सी आपका ऑपरेट करता है जैसे मान लो एक डॉक्टर है जो स्विट्जरलैंड में बैठा हुआ है और उसे इंडिया में सर्जरी परफॉर्म करनी है तो दोस्तों साइबर फिजिकल

ठीक है वो स्मार्ट ग्रिड क्या करेगी जो फिजिकल वर्ल्ड में आपके ऑपरेट हो रहे हैं प्लांट्स उनका डाटा उनकी सारी इलेक्ट्रिसिटी का डाटा वो मैनेज कर सकती है एक पर्टिकुलर लेवल पे और यहां से वो इनपुट कितनी बिजली आ रही है और आउटपुट कितनी जानी है और किस जगह जानी है वो मैनेज कर सकती है अगर हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करें तो भी साइबर फिजिकल सिस्टम बहुत ही अच्छा एक एप्लीकेशन दे सकता है मतलब क्या कि अगर आपने मेट्रो चलानी है ड्राइवर मेट्रो तो आपने उसको प्रोग्राम कर दिया है आपका एक आदमी बैठा है जो मेन स्टेशन है वहां से देख रहा है कि सारी मेट्रो सही चल रही है नहीं चल रही है और उसी के थ्रू वो सिग्नलिंग का काम कर रहा है तो ये काम हो सकता है सीपीएस के थ्रू एग्रीकल्चर मैनेजमेंट कि आपने अपने जो आ, एग्रीकल्चर का फार्म है वहां पर ड्रोन मैनेजमेंट करनी है आपने ड्रोन से चेक करना है कि फसलें कैसी हैं है ना या आपने जो उनका पानी का सिस्टम है या सीड मैनेजमेंट का सिस्टम है अगर वो चेक करना है तो सारा आप एग्रीकल्चर में सीपीएस के थ्रू कर सकते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट जहां पर दोस्तों कई बार क्या होता है कि डिजास्टर इसमें बैंकर आया होता है कि आप उसमें मदद पहुंचाने में थोड़ा विलंब करते हैं तो ऐसे केस में सीपीएस की मदद से हम जो विलंब है जो देरी हो रही है सहायता पहुंचाने में उसको हम कम कर सकते हैं मतलब क्या

रिगार्डिंग हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है तो टेक्निकल बैरियर सबसे पहले हमें कवर करने पड़ेंगे अगर हमने सीपीएस को फुलफिल यूज करना है, फुल फ्लैज यूज करना है फिर लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर आपको एक पूरा साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे चाहिए होगा अच्छी नेटवर्क कनेक्टिविटी चाहिए होगी तो उसके लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी हमारे देश में पब्लिक इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट थोड़ी कम है तो प्राइवेट पार्टिसिपेंट्स को और इंक्लूड करना पड़ेगा अगर हमने सीपीएस की अच्छी एप्लीकेशन देखनी है फिर डाटा रिलेटेड इश्यूज की आपका क्या है कि डाटा बहुत ज्यादा जनरेट होगा इसके लिए आपको स्टोरेज क्लाउड्स बनाने पड़ेंगे और स्टोरेज क्लाउड बनाने के लिए भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी प्राइवेसी

है। लेकिन मशीन भले ही फास्ट है लेकिन उनकी लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी कितनी है वो हमें चेक करनी पड़ेगी तो ये कुछ चैलेंजेस सीपीएस में ये हमें रिजोल्व करने पड़ेंगे तो अगर हम सीपीएस की फुल फुलज एप्लीकेशन लेना चाहते हैं फिर दोस्तों इंडिया ने एक अभी मिशन लॉन्च किया है कौन सा नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम यूनियन कैबिनेट ने इस मिशन को अप्रूव किया है और इसको इंप्लीमेंट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ये मिशन आपका फाइव ईयर के लिए है मिशन का नाम क्या है दोबारा सुन लीजिए नेशनल मिशन ऑन इंटर साइबर फिजिकल सिस्टम एन कौन सी डिपार्टमेंट uh, इसको इंप्लीमेंट कर रहा है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कितने साल के लिए फाइव ईयर uh, के लिए दोस्तों कंप्रेंसिव मिशन है जो कि आपका किस किस चीज को एड्रेस करेगा टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को एप्लीकेशन डेवलपमेंट को तो ट्रांसलेशनल रिसर्च आपको देखने को मिलेगी ऐसा नहीं कि रिसर्च सिर्फ लैब में होगी उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी इस uh, पूरे प्रोजेक्ट का पार्ट है तो जैसे अगर मान लो हमने कोई मेडिसिन बना दी अगर उसका हम ट्रायल नहीं कर रहे हैं तो मेडिसिन किस काम की तो सिमिलरली अगर हम कोई टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और उसकी एप्लीकेशन नहीं कर रहे हैं तो वो चीज़ बिल्कुल बेकार है तो यहाँ पर एप्लीकेशन डेवलपमेंट को एक पूरा पार्ट लिया गया है फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड स्किल एनहांसमेंट एंटरप्रीनियरशिप एंड स्टार्टअप डेवलपमेंट मतलब क्या कि नए स्टार्टअप्स को प्रमोट किया जाए एंटरप्रीनरशिप को प्रमोट किया जाए और इस कल्चर को इनोवेशन कल्चर को आगे परकुलेट किया जाए एन एम आईसीपीएस पेन इंडिया मिशन है और यह सभी मिनिस्ट्रीज को इंक्लूड कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टेट गवर्नमेंट की साथ साथ इंडस्ट्रीज और अकेडमिया को भी अपने साथ लेके चल रहा है इस मिशन का जो अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर एम देखें तो पंद्रह टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब बनाएगा छह एप्लीकेशन इनोवेशन हब बनाएगा और फोर टेक्नोलॉजी ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशन रिसर्च पार्क बनाएगा जहां पर इन एप्लीकेशंस का हम प्रैक्टिकल यूज देखेंगे यहां दोस्तों एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच ली जा रही है यहां पर अकेडमिक इंडस्ट्री एंड गवर्नमेंट तीनों मिलकर काम करेंगे तो ये मिशन एक बहुत ही अच्छा मिशन है जो हमारे देश में साइबर फिजिकल सिस्टम को प्रमोट करने का काफी काम करेगा अब दोस्तों इस लेक्चर के बेसिस पे आप लोगों के सामने एक सिंपल सा क्वेश्चन पेश कर रहा हूं आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और इस क्वेश्चन का आंसर करना है क्वेश्चन क्या है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल मिशन ऑन इंटर डिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम इज इट डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज इट नीति आयोग इज इट माइटी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मिनिस्ट्री ऑफ एचआर आपको कमेंट सेक्शन में आकर इस क्वेश्चन का आंसर टाइप करना है अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना है तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंट हियरिंग अगर आपने हमें कांटेक्ट करना है हमारे कोर्सेज के बारे में जानकारी लेनी है तो आप इन लिंक्स पर जा सकते हैं जय हिंद जय जै भारत